हेलो दोस्तों, जुले गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज देखो मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ अभी केलोंग में, तो केलोंग पुलिस ग्राउंड में। तो आज मौसम भी ख़राब है। पिछले कल हम आए थे केलोंग से, यहाँ केलोंग में आए थे। तो ये देखो पीछे पुलिस ग्राउंड, मौसम भी ख़राब है। घर जाना था, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रहा अब। देखो ये है गाड़ी एक, ये है गाड़ी दो, दोनों गाड़ी यहाँ पर है पर स्टार्ट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो बाकी यहाँ पर पुलिस वालों को गाड़ी भी है, ये स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि इसमें सुबह सुबह से गर्म पानी डाल रहे थे, 2-3-4 कप गर्म पानी डाल के तब जाके स्टार्ट हुआ। बाकी देखो सब खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट भी नहीं होता ना गाड़ी तब कर। तो अगर पानी का बोले तो देखो इस पाइप में आता है पानी पर अभी नहीं आ रहा है। टाइम तो 12 बज चुके हैं पर धूप नहीं है ना। अगर धूप होता तो पानी आ जाता, पानी भी नहीं है। जब धूप नहीं होता है तो फिर पानी भी नहीं होगा। तो पानी नहीं हो तो सोचो आप सबको कुछ करने को नहीं होगा, पहले से स्टोर करने के रखना पड़ेगा। अगर पहले से स्टोर करेंगे तो जम जाते हो। और मैं आपको दिखाता हूँ टॉयलेट कैसे जाते हैं। ये देखो ये है टॉयलेट और ये है पानी। पानी का भी बुरे हाल, पानी जम चुका इतना ही है। अगर तो टॉयलेट करने के लिए भी पहले पानी को पिघलने तक वेट करना पड़ता है। या तो गर्म पानी उबालो अंदर से वो लाओ, या तो इसके पिघलने तक वेट करो क्योंकि गर्म पानी भी इतना होता नहीं है। अंदर खाने पीने के लिए भी छी होता है ना, तब करके। अच्छा तो देखो ठंड भी अंदर, अंदर तो गर्म से कितना गर्मी है। हमने तंदूर में आग लगाया है तो यहाँ गर्म पानी रखा है उबलने के लिए ताकि मुंह हाथ धो पाए। और बाकी सब यहाँ पे फोन चला रहे हैं। तो फिर थोड़ा आग सेकते हैं, गर्म करते हैं। आग भी है और दूसरा ये ब्लोअर भी है, एक क्योंकि तंदूर अकेले से काम नहीं चलता, ब्लोअर भी लगाना पड़ता है तब करके। तो अब सबसे पहले हम करते हैं पानी उबलते हैं गर्म पानी, फिर गर्म पानी पीते हैं क्योंकि गर्म पानी सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता है, इसलिए गर्म पानी पीना चाहिए सुबह सुबह। तो चलो हम गर्म पानी बनाते हैं। तो अब मैं देखो तैयार होके चल पड़ा क्योंकि सबका खाना बनाने का मूड तो था नहीं। तो बोला होटल से क्या ले आओ, परांठा ले आओ, इसलिए मैं जा रहा हूँ परांठा लेने। रुको अब बस होटल पहुँचने दो, फिर परांठा लेंगे। तो हम आए यहाँ पर देखो सरस्वती ढाबा, यहाँ पर पैक करने हैं परांठा। तो हमने बोला कितना, 8-9 परांठा बोला। दीदी हमारे लिए परांठा बना रही है अभी। दीदी बन गया, कितना टाइम लगना? बस 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 अब 2 मिनट के बाद तो तैयार हो जाएगा। बनने ही वाला है, भूख भी लग रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया। टाइम अभी 12 बज चुके हैं। तो जल्दी जल्दी परांठा बन जाए, फिर चाय तो नीचे बना रहे हैं, परांठा बनाएंगे, चाय खाएंगे, नहीं चाय पियेंगे, परांठा खाएंगे, फिर उसके बाद हो सके तो गाड़ी स्टार्ट कर पाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे, फिर जाएंगे। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर भी आज यहाँ पर बैठना पड़ेगा। होप कि आज धूप निकल जाए जल्दी। देखो धूप का भी क्या हाल है। तो चलो दीदी बना रही है जल्दी जल्दी। तो फाइनली हमारा परांठा पैक, तो चलते हैं खाने। यस परांठे, सुबह सुबह नहीं दिन दिन को परांठे खाने चाहिए। पानी ऐसा जम जाता है देखो यहाँ पर। देखो दोस्तों अब गाड़ी तो स्टार्ट हुआ नहीं, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ठंडी इतना है। तो हम आ गए घूमने यहाँ पर शकस नाला में। ये रहा केलोंग बाजार, देखो बर्फ। बर्फ निकाल रहे अब यहाँ पे भाई लोग। तो ये है केलोंग ना, केलोंग होता है हेडक्वार्टर है जो कि पूरे लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है। तो फिर
यहाँ पर ज्यादातर जो ऑफिस वर्क होते हैं ये वर्क होता है, इसीलिए खुला होता है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत दुकान शॉप वगैरह के लिए यहीं पर आते हैं तब करके। पिछले कल संडे था, पिछले कल सब बंद था, आज मंडे है तो आज खुला है, तो मैं आज आगे तक घूमने जा रहा हूँ। और देखो गाइस, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि ऊपर से नीचे स्लाइडिंग पॉइंट है ना, तो लोगों ने क्या किया यहाँ पर बर्फ में स्टेप बना दिया देखो, ताकि लोग फिसले ना, ऐसे होते हैं लोग ताकि फिसले ना यहाँ से स्टेप बना के, क्योंकि ये ऐसे नीचे को स्लोप है ना, तो नीचे को काफी लोग यहाँ से प्रदाम प्रदाम करके गिर जाते हैं, तो ऊपर तक बनाया है पूरा। तो ये रहा गर्म पानी, तो मैं गर्म पानी अभी बॉयलर में बॉयल किया और ले जा रहा हूँ गाड़ी के पास, क्योंकि गाड़ी में गर्म पानी डालना पड़ता है। अब देखेंगे गर्म पानी डाल के स्टार्ट होगा नहीं होगा, स्टार्ट तो हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही बॉयल पानी है, देखते हैं। वैसे तो दूसरी गाड़ी वगैरह तो स्टार्ट हो गई, अब ये भी हो जाए, अगर धूप निकला होगा तो जल्दी से स्टार्ट हो जाना था। चलो लेट्स सी। जमा है कुछ कूलेंट? जमा है? कूलेंट नहीं जमा। सेंसर में डालना पड़ेगा? नहीं। तो ऐसा करके हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं इतने ठंडे में, पर ना कोई नो अदर चांस। देखो यहाँ पर भी पानी, एक जग पानी यहाँ पर भी डाला, जो कि पीछे सेंसर होता है यहाँ पे, ये देख रहे हो, हमने ऐसा ही नहीं भी खा रहे यहाँ पे, इसमें हम आप पानी लेने जा रहे, पानी ढूंढने। तो दोस्तों देखो, अब मैंने बोला था ना कि हम घर तो नहीं जा पाए क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ बोला, तब अब हम जा रहे हैं पानी लेने, क्योंकि पानी तो चाहिए, पानी है ही नहीं, और यहाँ पर भी पानी नहीं आ रहा है, पानी जम गया बिल्कुल। अब यहाँ ऊपर जैसे पानी आता है बोला, वहाँ पानी लेने जा रहे हैं। और बाकी देखो बर्फ भी शुरू हो गई यार, अगर बर्फ पड़ गया तो हम फंस ही जाएंगे यहाँ के लोगों में, बस फंसना नहीं चाहिए। तो देखो आ गया फाइनली, यहीं पर ही पानी आ रहा है, एक जगह यहीं पर ही पानी आ रहा है, तो मेरे को यहीं से बनना पड़ेगा, ऊपर से बर्फ भी शुरू हो गया, अब रुको पड़ते हैं पानी। दोस्तों फाइनली पानी तो भर दिया, देखो यहाँ पे पानी तो भर दिया, और हाथ में ना ठंड भी लग रही है, क्योंकि हाथ लगाए ना बिल्कुल लाल हो गया। अब इसको उठा के फिर नीचे ले जाना है, कम से कम 500-600 कदम नीचे जाना, हम नीचे से आए भी ऊपर पानी लेने। अच्छा बस भर दिया, थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा हाथ गर्म करते हैं, फिर ले जाते हैं इसको पानी को, हे भगवान। चलो फिर भी मजा तो है, एक्सपीरियंस अच्छा है। दोस्तों बर्फ तो अब पड़ ही रहा है, पानी भी हमने डो लिया, पानी का शप खत्म, और दूसरा बाकी डिनर का इंतजाम कर लिया। तो देखो पूरा कैलोंग पुलिस ग्राउंड पूरा भर गया, बर्फ शुरू हो गया, अब तो जाते हैं डिनर तैयारी करते हैं, डिनर खाते हैं फिर सोते हैं। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, होप आप सबको अच्छा लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिनने भी नहीं किया आप लोग देखते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ।